हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड 2013 में पासवर्ड कैसे लगाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड 2007, 10, 13, 16, 19 में कोई भी वर्जन को आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आ जाइएगा और इसके अंतर्गत कोई भी मैटर टाइप कर लीजिएगा। अब यहाँ मैटर थोड़ा टाइप कर लेते हैं। मैटर टाइप करने के लिए आपको अपना स्वयं का भी मैटर बना सकते हैं या कोई शॉर्टकट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ एक शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे जिससे कम समय में मैटर हम लिख लेते हैं। हम यहाँ बहुत ही कम समय में मैटर लिख लिए हैं, देख सकते हैं। तो ट्रिक में वहाँ पर नंबर कोई भी दे सकते हैं। अगर दो लाइन वाला चाहिए या तीन लाइन वाला चाहिए तो नंबर आप चेंज करके भी दे सकते हैं। तो मैटर तो हम लिख लिए। अब इस मैटर को अगर हम पासवर्ड दे के सेव करना चाहते हैं, सबसे पहले फाइल में आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में आएंगे। अब यहाँ पर नंबर दे देंगे, जो भी पासवर्ड का नंबर देना है। तो हमने पासवर्ड दे दिया 123। हम ओके करते हैं। नेक्स्ट दोबारा 123 और ओके कर देते हैं। अब पासवर्ड इसको दे दिया गया है और दोबारा हम फाइल में आते हैं और इसको सेव कर देते हैं और हमने नाम दे देते हैं फाइल का। एक नाम हमने दे दिया संतोष और इसको हम सेव कर देते हैं। इस तरह हम फाइल में पासवर्ड देकर सेव कर देते हैं, यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इस तरह हमारा पासवर्ड लग गया। अगर हम जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे उस फाइल को ओपन करने, चलिए देखते हैं, तो पासवर्ड हमको देना पड़ेगा। हम ओपन करते हैं। हम यहाँ पर आते हैं अपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे और फाइल में आते हैं और यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पे आते हैं। ओपन पे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पास फाइल है। अब इस फाइल को हम जैसे ओपन करते हैं तो हमको पासवर्ड यहाँ देना पड़ेगा। अब हमको पासवर्ड पता है 123, तो हम दे के अपना फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो हम फाइल को जैसे हम पासवर्ड देते हैं, ओपन हो जाएगा हमारा फाइल। तो पासवर्ड यहाँ से आप आसानी से लगा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।